नमस्कार, उल्टा चश्मा देख रहे हैं आप और मैं हूं आकिब मिराज खान। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए शहनवाज आलम हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं और बिहार की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है। हमारे साथ शहनवाज साहब, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। क्या कुछ अब आपके प्लान हैं, क्या कुछ किस तरीके से तैयारी है, एक नया कार्यभार आपको मिला है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो हिंदी हार्टलैंड के सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले वहाँ पे जो कंसर्न है हमारा वो ये कि अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, जो भी फेरबदल होना हो वो टाइम पे हो जाए, जितना जल्दी जो प्रत्याशी हैं उनको हम लोग चुन लें, जो सीटें चिन्हित करनी हैं ये कर लें, ये हम लोगों को ऊपर से निर्देश दिया गया है और जल्दी ही पहला दौरा इसी महीने होने जा रहा है। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार अगले साल बनेगी और इस साल तीन सरकारें हमारी और बनने जा रही हैं। अब राष्ट्र सचिव आप बना दिए गए हैं, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आप कैसे पूरे देश के मुसलमानों को जोड़ेंगे और कैसे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुसलमानों को ये समझना होगा कि जब तक एक तरफा वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे तब तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सांसद हुआ करते थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे आडवाणी। जब से मुसलमान कांग्रेस से दूर हुआ वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई है। जब कांग्रेस के तरफ एक तरफा मुसलमान हुआ करते थे तब लोकसभा में 49 मुसलमान सांसद हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम समाज जिन भी वजहों से कांग्रेस से दूर हुआ, क्षेत्रीय दलों के तरफ गया, वैसे वैसे उसकी जो सियासी हैसियत थी ख़ासतौर से लोकसभा चुनाव में वो भी कमज़ोर होती गई और प्रदेशों में भी उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो इस समय जो जिस तरह का नेतृत्व तो है प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, वो सबको अपील कर रहा है, चाहे जो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, क्योंकि फाइनली लास्ट में लोगों को यही दिखता है कि हमको इस सरकार में क्या मिला है। एक तो सरकार कुछ दे नहीं रही है, दूसरा जो सामाजिक वातावरण है उसको इतना ख़राब कर दिया गया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा वाकया आया है जिसमें एक हिंदू महिला बीमार है, उसको एक मुसलमान अगर खून दे रहा है तो डॉक्टर कह रहा है कि अगर हम आपका खून चढ़ा देंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाए। इस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को पहुंचा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को पार्टी के स्तर पर भी लड़ना है और जैसा कि राहुल जी ने भी अमेरिका में कहा, सबसे बड़ी चुनौती है अपने संस्थाओं की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो हम लोग सब लोग मिल करके राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के नेतृत्व में इस काम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ यात्रा करी जाएगी या कैसे लोगों के बीच पहुंचा जाएगा कांग्रेस द्वारा? देखिए, हम लोग वहां पहुंचेंगे, बहुत मजबूत हमारा अलायंस है आरजेडी के साथ और जैसा कि पिछले दिनों संकेत आप देख रहे हैं, भाजपा के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आप देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव समय से बहुत पहले हो जाएंगे, क्योंकि उनके दो दो अलायंस के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, तो बहुत क्रूशियल स्टेज है और हम लोगों की तैयारी बहुत बेहतर है। हमारे जो अलायंस में जो दूसरे लोग हैं उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव जब भी होगा, हो सकता पहले ही हो, हम लोग वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए शहनवाज आलम थे, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं और बिहार के प्रभारी भी बनाए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में जो स्थिति है वो कांग्रेस की बेहतर है।